पीना चाहिए, पूरा फुल पी रहा है, रात बननी नहीं आएगी, पेशाब छूट छूट जाएगा इसका। अबे कम पियोगे, तुम्हारे चक्कर में हम लोग कभी गावा छूट जाएगा सन से। फ्रेंड जी डबल ओडी गुड मॉर्निंग, वेलकम माय यूट्यूब चैनल सैफिशियल ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर हमको मौका मिला है सिटी आने का, तो हम आ चुके हैं सिटी और हमारी लोकेशन है जो कि हम आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर बताएंगे भी तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इससे बेहतर है कि आप खाली जगह देखिए, एंजॉय करिए और इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे दो मिनट के बाद अपनी डेस्टिनेशन में और करते हैं काम। ये सब नहीं कहना, वीडियो में खटमल के रहे। तो घर देखिए आप, काफी शानदार डिज्नी हॉट स्टार और विक्की माउस डोरीमोन वाले घर लग रहे हैं सारे। तो फाइनली गाइस ऊपर से क्वाइट ऐसे दिखता है, बहुत शानदार, नंबर वन लपालप हाईवे। तो कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको फेमस दिखानी पड़ती है। ये देखिए दवार, दवार बोले तो राउंड अबाउट, माशाल्लाह काफी शानदार पार्क का। और खजूरों की तो स्टैम्प चांदी है, क्योंकि इनके हाथ पैर में तेल लगाया जा रहा है, इनकी मालिश हो रही है, क्योंकि स्टैम्प सीजन खजूरों का चल रहा है। सारे खजूर अपने अपने शबाब पे हैं और सब में फल लगे हुए हैं। ये लगा हुआ है बोर्ड शेख अल जाज सुल्तान अब्दुल मजीद, इनका आगे मिल गया एयरपोर्ट। आपको सामने दिख रही होगी बड़ी सी बिल्डिंग वो, लेकिन उधर नहीं जाएंगे, यहीं से कट जाएंगे। तो फाइनली गाइस हम आपको बता दें, ये है कसर, यानी यहाँ के जो रईस, यहाँ के बादशाह हैं, उनका ये घर है। क्या कसर? बयान, बयान का कसर, यानी शेख रईस जो यहाँ के किंग है ना, उनका घर है ये। होगा तकरीबन 40। ये आपको सामने दोनों बसों के बीच से जो दिख रही है, इसकी एंट्री है शेख साहब के घर। अब दिख गया साफ, दिख गया ये थोड़ा सा, ये है शेख साहब के घर, शेख साहब के घर की एंट्री। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक हो शेख साहब आपको आपकी दौलत। और शेख साहब के कसर के बाद एक फेमस चीज ये दिखा दे, ये पानी की टंकी है, हर दूध के डब्बे में आपको छपी हुई मिलेगी। जिस दूध के डब्बे में टंकी छपी हुई, समझ लो कुवैत का दूध है। तो फाइनली गाइस आकिब भाई का कहना है कि आप आए हैं अपनी लोकेशन में, तो यहाँ एक मेडिकल सेंटर है जो कि हमारा कल का अपॉइंटमेंट है, तो हम उसको चेक करेंगे, निकालते हैं जहाँ भी होगा वहाँ पे जाके उसका लोकेशन लेते हैं, टूर लेते हैं, जो भी है सब ले लेते हैं, फिर उसके बाद आते हैं कल। और माशाल्लाह घर बहुत खूबसूरत बनाते हैं लोग, देखो जिस तरह के उठा के रख दिया है। और ये है अपने सिया समुदाय के लोगों का घर, जो कि काला झंडा मुहर्रम में लगा दिया इन्होंने। पुराने जमाने की गाड़ियां भी दिखेंगी आपको। असल बात क्या है ना, व्लॉग आप लोगों के लिए बनाना पड़ता है, आप लोगों से मोहब्बत जो इतनी हो गई, वरना गाड़ी में चलते चलते व्लॉग कहाँ बनाते हैं। तुसी भाई का कहना है आप लोग लाइक और कमेंट नहीं करते, प्लीज कर दिया करिए, तुसी भाई का दिल न तोड़िए। और ये हमारी लोकेशन रुमेतिया। तो फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं जहाँ हमारा अपॉइंटमेंट था, हॉस्पिटल, और ये एरिया है काफी पोर्च। तो फाइनली गाइस अपना काम धाम सब निपटा के हम निकल चुके हैं अपने घर की तरफ। ये सलवा और रुमेतिया का बोर्ड, और सामने दिखेगा आपको गवर्नमेंट के ये कोई ऑफिस वगैरह है, आइसक्रीम बैंक, आइस रिंक, बहुत प्यारा लग रहा है। और उसके बाद ये सामने आपको रोड दिखेगा, ये जाता है सीधा हमारे घर। तो पहुंचते हैं घर, मिलते हैं आपसे। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? अजान हो गई और अभी तक हम इसलिए खामोश थे क्योंकि अजान हो रही थी। आप लोगों को भी, हमको भी, दुनिया के तमाम मुसलमानों को अजान का एहतराम करना चाहिए। और ये प्यारी सी मिठाई आपको दिख रही होगी, ये किसी खुशी की मिठाई है जो अभी हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते। सिर्फ आप मिठाई देख लीजिए और अपने मन को मीठा कर लीजिए, दिल को मीठा कर लीजिए, मुंह को मीठा कर लीजिए। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम आपको बता देंगे कि मिठाई किस चीज़ की थी। और टुस्सी भाई के लिए आप प्रेयर करें, टुस्सी भाई गोश्त बनाने जा रहे हैं, अल्लाह से दुआ करें कि गोश्त अच्छा बन जाए, हंडिया फेंकना ना पड़े, क्योंकि चावल टुस्सी भाई ने चढ़ा दिया, कुकर चढ़ा हुआ है, मटन टुस्सी भाई कौन सा बनेगा? मटन बर्रा। तो भाई फाइनली टुस्सी भाई ने बता दिया है कहाँ बनेगा, मटन बर्रा और मटन सर्रा जो भी बनेगा। तो अभी हम आपको दिखाते हैं, सबसे पहले टुस्सी भाई काटेंगे प्याज, रेसिपी सारी रेडी करके फिर हम आपको दिखाते हैं क्या क्या डालते हैं आज हम। तो फाइनली गाइस सारा जहान घूम के हम आ चुके हैं घर, और ये आपको दिख रहा होगा पूरा मसाला रेडी। हम बता दें आपको क्या क्या है, ये है लहसुन, ये है अदरक, ये हरी मिर्च, ये है पीसी हुई सौंफ जिससे खुशबू आती है अच्छी और पेट को ठंड रखता है, ये है हल्दी, और ये है मैगीटो का वो जो आता है ना पेस्ट वो है, ये लाल मिर्च, और ये खड़ा मसाला, ये तेज पत्ता, और ये प्याज। इससे बनेगा चिकन हांडी, लेकिन हमारे पास हांडी नहीं है, हम बनाएंगे इसको कुकर में। सारी रेसिपी हमने आपको दिखा दी, अब इसको करते हैं रेडी। तो फाइनली गाइस गोश्त अपना हो गया कंप्लीट और मसाला भी हो गया रेडी, बारी बारी से हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले गोश्त डालेंगे कुकर में, उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हरा मसाला। हरा मसाला ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। प्याज ऐड करने के बाद हम इसमें सारा कटा हुआ खड़ा मसाला सारा कुछ ऐड कर देंगे। टुस्सी हाथ से गिराओगे और इसको सारा इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद डालेंगे जैतून का तेल, ओलिव ऑयल, अंग्रेजी में ओलिव ऑयल, हिंदी में उसको बोलते हैं जैतून का तेल।
जो कि हमारे यहाँ खाया जाता है सरसों का तेल, आप सरसों का तेल भी ऐड कर सकते हैं। और माशाल्लाह काफ़ी अच्छा दिख रहा है कलरफुल। थोड़ी देर के बाद इसको हम तेल में डालने के बाद मैरिनेट करके रख देंगे 15 मिनट तक। अब इसमें ऐड करते हैं जैतून का तेल। तो फाइनली गाइस वो वक्त आ चुका है जब हम ऑलिव ऑयल इसमें ऐड करेंगे। तो ऑलिव ऑयल ऐड करने के बाद अब इसको टुस्सी भाई अपने हाथों से, कोमल कोमल हाथों से इसको मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के बाद रख देंगे 10 मिनट के लिए, फिर उसके बाद इसको चढ़ाते हैं। तो फाइनली गाइस मैरिनेट करने के बाद हाथ में मेरे आप देख रहे होंगे रू अफ़ज़ा, क्योंकि हम गोश्त मीठा बनाते हैं, क्योंकि हम गुजराती नहीं हम यूपी वाले हैं। तो टुस्सी भाई के दिल में मिठास पैदा करने के लिए इसमें ऐड करेंगे हमदर्द का रू अफ़ज़ा। कैसा लगा मेरा मजा? तो फाइनली गाइस खाना बनाते बनाते हम आ गए कस्टमर घर और करना पड़ा एक रिकम्प्लेंट। टुस्सी भाई गावा तो ऐसे पी रहे हैं जैसे लग रहा है इनको इन्होंने पैसे जमा किए 5,000 एडवांस। अबे थोड़ा थोड़ा पियो, दिल की धड़कन बढ़ जाए साले, रात में नींद ना आई। कहो तुम शेख तुम्हारा भाई अभी मार रहा चिल, क्योंकि अभी माल ढीला करेगा उसके बाद। तो फ्रेंड्स हम आपको एक मैसेज देना चाहते हैं, अगर ऐसे के दोस्त रहे तो इंशाल्लाह कस्टमर गावा पिलाना बंद कर देगा। गावा पिया जाता है इतना से और ये पूरा फुल पीते हैं जैसे लग रहा है इससे। भाई फुल था आपके सामने वीडियो है फ्रेंड्स, गावा पूरा फुल था, ये झूठ बोल रहा है, पूरा फुल गावा था। आप लोग देख के देख लीजिए, गावा थोड़ा पीना चाहिए, पूरा फुल पी रहा है, रात भर नींद नहीं आएगी, पेशाब छूट छूट जाएगा इसका। अबे कम पियोगे, तुम्हारे चक्कर में हम लोग कभी गावा छूट जाएगा कसम से। आप लोग देख लीजिए। तो फाइनली गए हम टुस्सी आ चुके हैं घर और आकी बह गए जमैया रोटी लेने का गाड़ी। जब नहीं कहना गाड़ी देख के चलिए, नहीं फुटबॉल उछाल देगा। ओ माय गॉड टुल्लू। तो फाइनली गए गोश्त अपना भून गया, टुस्सी भाई सलाद लेके आ गए और मेन बात तो आपको बता दे भूल गए नमक डालना, बिना नमक का गोश्त बना दिया। क्या यार टुस्सी भाई तुम्हारे चक्कर में, तो आप थे ना भाई। हाँ जब काम खराब होगा तो मेन कैंडिडेट आप थे। वाह भाई वाह। और अगर अच्छा हो जाता तो टुस्सी भाई सारा क्रेडिट अपने ऊपर ले लेते कि मैंने किया था। फाइनली गाइस माशाल्लाह माशाल्लाह सूरत हाल ये और सलाद बन चुकी है। टुस्सी भाई कहीं लगे हुए मोबाइल में बहुत बिजी हैं। और टुस्सी भाई का कहना है कि खाने के साथ आज हाजमोला रखिएगा, क्योंकि खाते खाते बेहोश हो जाएंगे, भूख बहुत तेज लगी है। तो माशाल्लाह गोश्त अपना हो गया रेडी और बुलबुले छोड़ रहा है। तो खाते हैं खाना, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर वीडियो में आप नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, बाय बाय।